सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। मोहम्मद साहब जैसे लोग संसार में पैदा हुए, क्राइस्ट संसार में आए, इन्होंने सबने कहा कि निराकार ही की पूजा, साकार को खत्म करो। हालांकि बड़ा गोपनीय है सब कुछ लिखना, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कुछ पृथ्वी ने बनाया हुआ है और जो कुछ आकाश ने बनाया है उसका प्रतिरूप न बनाइए। ये बड़ी मार्मिक चीज है, इसको अगर ईसाई लोग समझे तो समझ ले कि मूर्ति पूजा क्या है। अब पृथ्वी ने कौन सी चीज बनाई हुई बताइए आप, उसकी प्रतिरूप करके उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। पृथ्वी ने जितने भी स्वयंभू लिंग है ये बनाए हुए हैं, अभी ईसाइयों से कहिए कि जितने स्वयंभू लिंग है ये पृथ्वी ने स्वयं बनाए हैं, और इसके प्रतिरूप आप कोई भी बनाए वो पूजनीय होता ही नहीं क्योंकि इम्परफेक्ट है। इसका भी एक कोएफिशिएंट होता है, इस आकार का भी एक कोएफिशिएंट होता है, उस आकार के कारण ही चैतन्य बहता है, और हूबहू वैसा आकार बनाना असंभव, और जो बनाता है वो भी रियलाइज फुल होना चाहिए और वो उसे बेचना नहीं चाहिए उसको। इसलिए जितनी भी मूर्तियों की हम पूजा करते हैं अधिक सब इस हिसाब से जीरो। अब आप जाकर के देखें रांझना का एक गणेश जी है, बिल्कुल गणेश की रूप है, बिल्कुल गणेश का, और ये पृथ्वी के अंदर से निकले हुए, किसी ने उनको हाथ भी नहीं लगाया। अभी अनादि काल से बात चली आ रही, मैं खुद देखने गई, इतने वाइब्रेशन उस गणपति में है जैसे कि कोई जागृत वहां समाधि लगाई हुई हो, इस तरह से उनमें जागृत वाइब्रेशन आते हैं। इसीलिए कहा गया था कि उसके प्रतिरूप मूर्ति न बना। अब हम लोग हैं, इसको देखिए वही मूर्ति बनाने बैठ जाता, हर एक चीज की मूर्ति बना करके बैठ गए, उसको पूजने बैठ गए, उसका कोएफिशिएंट है या नहीं, उसमें चैतन्य है या नहीं, वो जागृत है या नहीं, इसको तो हम देखते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन इस तरह से उन दिनों में ईसा मसीह के समय में हुआ, क्योंकि मूर्ति का मतलब यह, गए वहां पर पैर पड़ना शुरू कर दिया, ये करना। अब काबा के अंदर जो पत्थर है वो साक्षात शिवलिंग है, पृथ्वी से निकला हुआ शिवलिंग है वो, उसे मोहम्मद साहब जानते थे। और जितने भी शिवलिंग साक्षात है वो साक्षात है, लेकिन जिसको देखिए वही मूर्ति का बना ले, पत्थर का बना ले, ये बनाने की इजाजत नहीं है। इसलिए मूर्ति पूजा बाधक। अब मूर्ति पूजा के विरोध में जो लोग बोलते हैं वो वहां तक सही है कि मूर्ति पूजा जो कि मूर्ति झूठ मूठ में बनाई गई उसकी नहीं होनी चाहिए, यहां तक वो सही है, लेकिन साकार परमात्मा नहीं होते हैं ये कहना बहुत गलत बात है। इसका मतलब है आपने वन साइडेडनेस ले ली, उसकी वजह दूसरी थी कि जब साकार की पूजा लोग करने लग गए तो लोगों ने देखा कि इस कदर वो गलत हो गए। समझ लीजिए कि हम आपसे कहें कि आप शहद को खोजना है, तो हम आपसे कहें पहले फूलों का वर्णन कहें कि फूल ऐसा होना चाहिए, ऐसा फूल मिलेगा उसमें शहद मिलेगा। आप गए देख के चले, हाँ भाई फूल मिल गया, आप फूलों की पूजा करने लगे, शहद आपको नहीं मिलेगा, बातचीत से शायद नहीं मिल सकता, सिर्फ फूलों की बातचीत होती रही कि फूल ऐसे होते हैं, फूलों में ये करना चाहिए, फूलों को ये करना चाहिए, शायद नहीं मिलता बातचीत। तो उन्होंने कहा कि फिर भाई शायद नहीं मिला, चलो शायद की बातचीत कर, तो दूसरी बातचीत शुरू कर दी निराकार की, वो भी बातचीत ही बातचीत है, दिमागी जमा कर, आप चाहे शायद की बात करो चाहे फूल की बात करो, आपको शायद नहीं मिल सकता जब तक आप स्वयं ही मधुकर न हो जाए। जब तक आप स्वयं ही मधु को पाने के योग्य न हो जाए तब तक आपको शहद नहीं मिलेगा। फूल भी जरूरी है और शहद भी जरूरी है, और शहद को पाने के लिए आपका भी वो होना जरूरी है जिसे मधुकर कहते हैं। अब ये झगड़ेबाजी की बात है कि हर चीज को लेकर झगड़ा खड़ा करें, सत्य एक है उस पर कभी झगड़ा नहीं। अब उस जमाने में जो पहले जमाने में जबकि सिर्फ हम अपने पांच तत्वों को प्रबुद्ध कर रहे थे उस चीज को लेकर के, और आज झगड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं।
जो बीच की बात हो चुकी है यह भी बिल्कुल सही है कि परमेश्वर अवतार स्वरूप होते हैं, वो अवतार लेते हैं संसार में आ करके और मनुष्य का उद्धार करते हैं, यह भी बिल्कुल सनातन बात है। और यज्ञ संध्या भी सनातन बात है, जिसके कारण आप ये पांच एलिमेंट्स हैं अपने अंदर उसकी शुद्धि करें, क्योंकि अगर आपके चक्र शुद्ध नहीं हुए तो मेरा कहना भी व्यर्थ हुआ। वो भी जरूरी चीज है और आत्मा का जानना भी जरूरी चीज है। अगर इसको समझ लें तो सारा झगड़ा खत्म हो जाए, और व्यर्थ की बकवास कर करके हजारों किताबें लिख करके जिस तरह से आप लोगों ने झगड़ा खड़ा कर दिया है वो सब बेकार। अब कल ही एक साहब आए थे तो कहला मैं गायत्री मंत्र कहता हूं। भाई क्यों कहते हैं आप गायत्री मंत्र? वो पार नहीं हो पा रहे। मैंने कहा कि अच्छा आप कहिए कि आप गायत्री देवी के बारे में पूछे, कहले हम तो मानते नहीं वो साकार होते। अरे आप मानते नहीं तो किस आधार से नहीं मानते? क्योंकि आप आर्य समाजी फैमिली में पैदा हो गए, आप आर्य समाजी बन गए। मनुष्य की स्वतंत्रता कहां गई? क्योंकि आप हिंदू पैदा हो गए, आप हिंदू बन गए। हो सकता था आप मुसलमान पैदा हो जाते, हो सकता था आप कहीं अफ्रीका में पैदा हो सकते थे। जब आपका पुनर्जन्म है ही तो आप कहीं भी पैदा हुए होंगे। शायद हो सकता है पूर्व जन्म में बड़े कट्टर मुसलमान होंगे और आज बड़े कट्टर आप ब्राह्मण बने बैठे, हो सकता और होता ही है। एक अति से आदमी दूसरी अति में हमेशा उतरता है, एक कट्टरता को लेकर चलता है तो दूसरी कट्टरता में उतरता है। सत्य कट्टर नहीं है, सत्य साक्षात, इसका साक्षात कराना चाहिए। सूझबूझ इसमें है, सुज्ञता इसमें है, इसमें विस्तार कि वो जो सत्य है उसे हमें और असत्य हम नहीं चाहते। आज यही हो रहा है, आपके जो जवान बच्चे हैं ये परमात्मा पे विश्वास नहीं करते, उनको मेरी बात भी बेकार लगती शुरू में। सभी विश्व में ये बात, आप ही की बात ये नहीं, आपसे कहीं अधिक और जगह ये हो गया, कहीं अधिक और जगह हो गया कि जहां लोगों ने परमात्मा से विश्वास छोड़ दिया। अल्जीरिया के एक हमारे शिष्य हैं, इंजीनियर हैं, हमारे पास आए थे, मुसलमान हैं वो लोग सब। वहां के जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं, इंजीनियर डॉक्टर आर्किटेक्ट वगैरह, उनको परमात्मा में विश्वास नहीं। उनमें से ये महाशय भी थे, ये किसी तरह से हमारे पास आ गए और पार हो गए। एक विश्वास को धर्मांधता से निकल करके और अविश्वास के ओर जब मनुष्य झुकता है तो बीचों बीच सहयोग से पकड़ सकता है। जब उन्हें साक्षात हो गया, आज उन्होंने 500 वहां अपने डिसाइपल्स बनाए हुए अल्जीरिया में, जो कि मुसलमान है, जो कि विष्णु की भी पूजा करते हैं और मोहम्मद को भी जानते हैं। इसलिए नहीं कि मैंने कहा है, उसके बगैर काम ही नहीं बनता। अगर आपके पेट के कैंसर है और अगर आप धर्मांध हैं तो आपको मोहम्मद साहब का नाम लेना पड़ेगा, आप नहीं लीजिएगा तो मैं ठीक नहीं कर सकता। और अगर आप मुसलमान हैं और आपको कैंसर है पेट का तो आपको दत्तात्रेय जी का नाम लेना पड़ेगा और विष्णु जी का नाम लेना पड़ेगा, चाहे आप मुसलमान हो चाहे कोई। किसी का कोई ठेका नहीं होता है कि ये भगवान मेरे हैं वो भगवान मेरे, उनको समझाने बुझाने और बना लिया। अब तो धर्म का राजकारण जब बन गया तो अब तो भगवान ही बेचारा। जो लोग राजकारण में धर्म लाके बात करते हैं उनसे पूछे आप क्या धर्म के बारे में कुछ जानते भी हैं? धर्म का राजकारण नहीं बन सकता। आपको मैंने विशुद्धि चक्र के बारे में बताया, अब आज्ञा चक्र के बारे में बताया। जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र को छेदती है तब आप निर्विचार हो जाते हैं, निर्विचारिता आपने। यह भी चक्र यहां बहुत पकड़ता है, पता नहीं क्यों आप क्षमाशील कम है, क्षमा करना चाहिए, क्षमाशील होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम क्षमाशील नहीं तो परमात्मा भी हमें क्षमा नहीं करेगा। हमें बहुत तकलीफें होती हैं दुनिया में, माना है, लेकिन हमको क्षमा करना चाहिए, इससे परमात्मा भी हमें क्षमा